भारत देश में युवाओं के हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह खराब डाइट और बिगड़े लाइफस्टाइल बताई जा रही है। कुछ ने इसकी वजह नशा भी बताई, मगर हार्ट अटैक की ये परेशानी उन युवाओं को भी हो रही है जिन्हें न तो ब्लड प्रेशर है, न ही डायबिटीज और न ही कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। लोकल रिटर्न के जरिए हम आपको बताते हैं कि बदलते लाइफस्टाइल के कारण युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं पर बात की गई डॉक्टर भरत राव। युवाओं में हृदयघात की समस्या अधिक देख रहे हैं। कुछ समय पहले तक, आज से करीब 10 या 15 वर्ष पूर्व, ये संख्या जितनी थी उसका करीब करीब दुगनी संख्या में अभी इस वक्त हम युवाओं के अंदर हृदयघात की समस्या को देख रहे हैं। आप ये देखिए कि 50 वर्ष से कम उम्र के हृदयघात के मरीज करीब 50% संख्या में होने लगे हैं। पहले ये संख्या करीब 30% हुआ करती थी। और ये जो युवा हैं, ये कई बार इस तरह के भी युवा होते हैं जिसमें हमको कारण का पता नहीं पड़ रहा है कि किस कारण से हृदयघात हुआ है। पहले ऐसा लगता था कि किसी नशे में अगर वो हैं, जैसे कि वो खूब धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, बहुत ड्रिंक्स कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि इस तरह का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं दिखा है। ऐसे कारणों में इस वक्त हम दो चीज़ों पर इस वक्त चर्चा करना चाहते हैं। पहला है नींद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नींद की क्वालिटी पहले से खराब हुई है, और अब इस बात के पुख्ता हमारे पास प्रमाण है कि नींद के दौरान हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रिकवरी होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर टूट फूट कर जो कोशिकाएं हैं वो खराब होती रहती हैं, जिसका कि नींद में काफ़ी सुधार होता है। और अच्छी नींद का न होना हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, इस बात पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में हो चुके हैं। और दूसरा एक बहुत प्रमुख कारण जो आजकल दिखाई दे रहा है वो है वायु प्रदूषण। हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण भी एक गंभीर स्थिति लेते जा रहा है। अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो लोग सवेरे उठकर दौड़ लगाते हैं या जो व्यायाम के लिए वॉकिंग करने जा रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि अधिकतर शहरों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण सवेरे के समय होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता के साथ हमें अपने शहर की स्थिति का पता लगे कि किस मौसम में वायु प्रदूषण किस वक्त ज़्यादा है, और उस एरिया में हम लोग घर में ही रहकर कुछ एक्सरसाइज करें और प्रदूषण से बचने का प्रयास करें। सामान्य व्यक्ति हृदयघात से कैसे बचे? देखिए दोस्तों, इसको मैं एक फॉर्मूले के रूप में लेना चाहता हूँ, और वो है MADE। और MADE क्या है? MADE एक बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है। अंग्रेजी का शब्द मेड, क्या आपने अपना दिन सफल बनाया? हैव यू मेड योर डे? MADE, एम से तात्पर्य हुआ मेंटल रिलैक्सेशन। दिन में 8-10 बार ठाका लाके हंसे, खुश रहें, एकदम से गुस्सा ना करें, रिएक्ट ना करें, ताव में ना आए, ये हुआ एम। प्राणायाम और ध्यान करने से, अच्छी नींद लेने से हम मानसिक रूप से शांत रहेंगे, मेंटल रिलैक्सेशन। दूसरा है ए का मतलब अवॉइड एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन से बचने का प्रयास करें। अवॉइड एडिक्शन फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल, सोशल मीडिया, किसी भी तरह का एडिक्शन, मीठा खाने का एडिक्शन, तो एडिक्शन से बचने का प्रयास करें। तंबाकू ना लें, धूम्रपान ना लें। तीसरा हुआ डाइट। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो, उस पर विचार करें। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि शाम का खाना कम और जल्दी खाएं। अधिकतर जो लेट नाइट ईटिंग आजकल शुरू हो गई है, और बाहर का खाना जो हम ज़्यादा खाने लगे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि क्यों हम इस तरह की गंभीर बीमारियों में फंस जाते हैं। तो खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। तो जितना हो सके आप रिफाइंड खाने से बचें, फैक्ट्री से सामान ना मंगाएं, घर पे बनाएं, जो भी बनाना है, सेव, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब बाहर से खरीद खरीद के हम लोग घर में रख लेते हैं और घर में बैठ के खाते हैं और सोच रहे हैं घर का ही बना हुआ खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये घर का नहीं है, ये बाहर का है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शन, डाइट, और अंत में एक्सरसाइज। नियमित रूप से हम सबको 40-50 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, योग प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। हाँ, और ध्यान रखें, आवश्यकता से कम एक्सरसाइज न करें, पर आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज भी न करें। बहुत ज़्यादा हश पुश दिखने के लिए, सिक्स पैक्स बॉडी बनाने के लिए, कई बार हम अत्यधिक एक्सरसाइज करने के अंदर एडिक्शन में, एक्सरसाइज का भी एडिक्शन हो जाता है, और फिर आर्टिफिशियल प्रोटीन खरीदते हैं हम। तो ये जो प्रोटीन के पाउडर वगैरह जो खरीद लेते हैं, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आवश्यकता से कम व्यायाम ना करें, पर आवश्यकता से अधिक व्यायाम भी ना करें। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर इन चार चीज़ों पे ध्यान दें, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शन, डाइट और एक्सरसाइज, तो हम निश्चित तौर पे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दो चीज़ों की जाँच नियमित कराते रहिए। बहुत सारे रोग हम इन दो चीज़ों की जाँच करके बचा सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा की भी को भी कहें कि क्या आपने अपना BP और शुगर पिछले 6 महीने में जाँच कराई है। जिन लोगों को बीमारी है वो हर हफ्ते जांच कराएं, और जिन्हें नहीं है वो हर 3-6 महीने में अपना BP और शुगर की जांच कराएं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।
और कई बार आपके मन में यह विचार आ सकता है, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ रोग ही नहीं है, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरी उम्र तो अभी 25 साल है, 30 साल है, अभी तो मुझे कुछ है ही नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, जिनको भी हृदयघात हुआ है 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे, हृदयघात कोई नोटिस देके नहीं आता है। 1 क्षण पहले तक भी वो ठीक थे तब एकाएक हृदयघात होता है, पर आधे से अधिक हृदयघात के मरीज अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम अपनी सुविधा से अपनी जांच करा लें। कोई बड़ी जांच करने की बात नहीं है, सिर्फ बीपी शुगर की बात हो रही है, इतनी जांच तो कराएं और फिर अपने डॉक्टर की सलाह से और कुछ जांच करने की जरूरत है तो वो कराएं। और एक चीज का ध्यान रखिए कि आज की तारीख में हृदयघात होने की कोई आयु की सीमा नहीं है। किसी जमाने में ये 60-70 वर्ष से अधिक लोगों को ही कहा जाता था, और अब हम कहते हैं कि 20-25 साल के बाद में किसी भी व्यक्ति को हृदयघात न हो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना, ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर अगर आपके घर में किसी और सदस्य को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो आप अपना पूरा ध्यान रखें कि आप शुरू से इस आने वाले प्रश्न पत्र का तैयारी करके रखें। कोई भी अच्छा जो विद्यार्थी है अगर उसको प्रश्न पत्र पहले ही पता पड़ जाए तो उसका वो पहले से पूरा तैयारी करके रखता है। यकीनन आप भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो अगर आपके माता पिता को किसी इस तरह की बीमारी हो चुकी है तो आपको पता है कि ये प्रश्न पत्र आपके जीवन में आने वाला है, तो क्यों ना उसकी पहले से तैयारी करके आप जागरूक हो जाए। आपको बहुत शुभकामनाएं।